लॉन्ग टेल वर्सेस शॉर्ट टेल, जब भी ये सवाल पूछा जाता है ना, तो हमारा आंसर बड़ा सिंपल होता है। तीन वर्ड से छोटा है तो शॉर्ट टेल, और तीन वर्ड से ज्यादा है तो लॉन्ग टेल। हो गया डिफरेंस बिटवीन दी शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल, खत्म कहानी। ऐसा अगर आपको भी मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, और इसका आपको कभी आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करना है, और कब कौन सा आपको इस्तेमाल करना है, लाइक शॉर्ट टेल करना है कि लॉन्ग टेल करना है, पूरा डिटेल के अंदर जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, मैं यहां पे पहले बता दूं आपको, ये एक एसईओ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही कीवर्ड्स टेक्निक्स हैं। अभी पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल है ना। तो शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको आंसर करना है कि जो शॉर्ट टेल है वो एक जनरल इंक्वायरी है, और जो लॉन्ग टेल है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एक स्पेसिफिक क्वेरी है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जरा हम समझ लेते हैं, शॉर्ट टेल क्या है। सो बेसिकली शॉर्ट टेल यानी कि एक पर्सन जिसके पास में, जो सर्च इंजिन पे सर्च तो कर रहा है लेकिन किसी भी चीज को स्पेसिफाइड नहीं है उसके पास में, उसका एक परफेक्ट गोल जो है वो अभी तक उसको नहीं पता है, अभी सिर्फ वो एक तरह से जनरल इंक्वायरी कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूं यहां पे डिजिटल मार्केटिंग, मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक अवेलेबल है और बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब ऐसे में ये पता नहीं चल पा रहा उस पर्सन के इस डिजिटल मार्केटिंग लिखने से कि वो डिजिटल मार्केटिंग अपने लिए कोई एजेंसी ढूंढ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स फाइंड आउट कर रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग की वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यू कैन सी यहां पे उसका कोई एक सिंगल स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, यहां पर मल्टीपल चीजें जो हैं हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत है, एक जर्नल इंक्वायरी है ये। तो यहां पे उसका जो मेन फोकस है वो नहीं पता चल रहा। ऐसे में अगर आपकी वेबसाइट यहां पे रैंक कर जाती है, तो अगर वो कोर्स के लिए सर्च कर रहा था और आपकी वेबसाइट जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के हिसाब से डिजाइन किया गया है और आपके पास में वो ट्रैफिक आता, तो डेफिनेटली वो इरेलेवेंट ट्रैफिक हो जाएगा, और जिससे वो तुरंत ही आएगा और तुरंत ही छोड़ देगा, बिकॉज उसका इंटरेस्ट एक्चुअली कुछ और है लेकिन वो किसी और पेज पे आ गया। तो इसीलिए शॉर्ट टेल कीवर्ड का इस्तेमाल करते वक्त हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि हमारे इस पेज के ऊपर में आकर लोग क्या कर सकते हैं। राइट, आई होप कि आइडिया लग गया होगा, बट डोंट वरी अगर नहीं लगा तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टेल कहां पर कैसे इस्तेमाल करने होते हैं। अभी हम बात करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग टेल अगेन उसी कीवर्ड के ऊपर में एग्जाम्पल ले लेते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड का जैसे मैंने बताया कि आपका एक स्पेसिफिक टारगेट, अब स्पेसिफिक टारगेट क्या, अब मैं सर्च करना चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। मैंने ये नहीं लिखा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब कोर्स भी है वो भी एक जनरल कैटेगरी में आ गया। क्यों? अब मुझे नहीं पता कि आप हिंदी लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे, मुझे नहीं पता आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे, मुझे नहीं पता आप किसी रीजनल लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे। तो अगर मैं यहां पर हिंदी के अंदर मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो मैं किस तरह का कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा लॉन्ग टेल के अंदर, जो मैं जिसपे रैंकिंग करवाना चाहूंगा। अगर कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, तो वो मेरा एकदम परफेक्ट रिलेवेंट ट्रैफिक है। राइट, अगर मेरा कोर्स इंग्लिश में है तो आई विल गो विद दी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंग्लिश। तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, बिकॉज इसमें एक फिल्टर होकर आपके पास में एक एक्यूरेट जो ट्रैफिक आपको चाहिए है वही ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा, वही आपके पेज पे आएगा, और वहां से डेफिनेटली आपका जो भी कॉल टू एक्शन होगा, राइट, वो यहां पे लिया जा सकता है। सो आई होप कि दोनों को जब मैंने एक्सप्लेन करा तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा। मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करी है। अभी हम बात कर लेते हैं कि कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड के साथ में जा रहे हैं और आप एक ऐसा पेज डिजाइन कर रहे हैं
जहां पर आप एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड के बारे में डिटेल में लिखना चाहते हैं, लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं आप, एक डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप एक कोर्स कर क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर नहीं है तो आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं, इस तरह का एक जर्नलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है अपने पेज पे देंगे, तो आप एक शॉर्ट टेल कीवर्ड के साथ में जा सकते हैं। लेकिन हम अगर लॉन्ग टेल की बात करें तो जहां पर हमारा जो टारगेट ऑडियंस है बिल्कुल फिल्टर करके लाना चाहते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक लेकर आना चाहते हैं कि जिसको ये नीड है, जो ये सर्च करेगा वही मेरे पेज पर आए, बाकी का जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी अगर किसी चीज को सर्च कर रहा है, इवन कोई somebody is searching for digital marketing course in English, वो भी मेरा ट्रैफिक नहीं है, मुझे ऐसा ऑडियंस चाहिए जो हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को प्रेफर कर रहा हो, तो ऐसे में मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ में जाऊंगा। सो गाइज आई होप कि आपको जो है दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, लॉन्ग टेल क्या है और आपका शॉर्ट टेल क्या है, और अब अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल क्या है तो आई एम श्योर आपका जो परसेप्शन है, आपका जो आंसर है वो डिफरेंस हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, अब आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि 3 वर्ड से नीचे वाला शॉर्ट टेल और 3 वर्ड से ज्यादा वाला लॉन्ग टेल, ये एक गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज ये आपकी किसी भी जो हमारा एक्चुअल जो टारगेट है उसको स्पेसिफाई नहीं करती है। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलता हूं आपको एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।